राधे राधे सभी को। देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं माता रानी का भोग। तो ये हमारी खीर बन गई है, ये देखिए मेरे। और इसके लिए ये हमने मेवा ले ली है, ओला है, किशमिश है, ये खरबूजे के बीज हैं, और ये चिरौंजी है, काजू भी हैं, और चार पांच बादाम भी हैं, चार पांच काजू भी हैं, ये मखाने हैं। और ये मैं इसमें डाल दूँगी जब भी हमारे चावल अच्छे से धुल जाएंगे। इसमें मैंने दूध डाल दिया है अभी। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी बन गई है, छोले और आलू की। और ये हमने चना बॉईल कर लिए हैं प्रसाद के लिए। और देखिए हम आपको दिखाते हैं कैसी कैसी आइटम बन रही हैं हमारे यहाँ भैया के घर के लिए। हमारा मसाला बन चुका है, चना डाल दिए हैं छोले वाले। और इसमें हम देखिए हमारे चावल घुल चुके हैं, तो ये हम मेवा डाल देंगे। ये हमारे आधा कटोरी चावल थे, आधा कप। और हमने आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कम जो भी है दूध अपना कर सकते हैं, चाहो तो आप दूध में भी बना सकते हैं, चाहो तो आप थोड़ा पहले पानी में बॉईल करके चावल को फिर दूध डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने चीनी ले ली है खीर के लिए, एक कप के बराबर। और इसे हम घोल देंगे और 10 मिनट के लिए इसे हम मीडियम गैस पर रख देंगे। ये देखिए कुछ हमने आलू कचौड़ी के लिए रख लिए हैं, कचौड़ी बनाएंगे इनकी हम। ये धनिया भी हमने काट लिया है। ये देखिए हमने आलू डाल दिए इसमें, पानी कर देंगे। और इसे हम अब इसे हम 15 मिनट के लिए स्लो मीडियम कर देंगे हम थोड़ा गैस को, और इसे बॉईल कर देंगे। तो देखिए खीर बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसे हम गैस को बंद करके ढक करके रख देंगे। और हम अब बताते हैं आपको ये चना कैसे बनाते हैं। ये देखिए हमने ये चने हमको ठोकने हैं, तो इसके लिए हमने ये 2 चम्मच घी ले लिया है, और ये हींग और जीरा ले लिया है। देसी घी में बनाइए आप, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और माता रानी का प्रसाद है तो घी में ही हमें बनाना चाहिए ये, और थोड़ा टेस्ट भी आ जाता है इससे। ये देखिए तो इसमें हम चने डाल देंगे, ऊपर से थोड़ी हल्दी थोड़ा हम पहले डाल लेते, थोड़ा भून गई। और ये थोड़ा सा हम व्हाइट वाला नमक डालेंगे, क्योंकि थोड़ा हम काला नमक डालेंगे इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। ये देखिए, और थोड़ी सी हम लाल मिर्ची डालेंगे, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और ऊपर से हम इसमें छोले मसाला या चना मसाला आप डाल सकते हैं। ये देखिए इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला और ऐड करेंगे, आधा चम्मच के करीब। और ये छोटी 1 चम्मच हम छोले मसाला डालेंगे इसमें। और देखिए हमारे चना भी रेडी है बन करके प्रसाद के लिए तैयार हो गए हैं। आप चाहिए तो इसमें ऊपर से मैं नींबू और ऐड करूँगी, 1 नींबू ऐड करेंगे हम, इससे थोड़ा ये खट्टा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा।
बीज इसके हम निकाल देंगे और थोड़ा सा मैं ये धनिया ऐड कर देती हूँ इसमें। देखिए बहुत ही अच्छे हमारे चना बन गए हैं। हमारे आलू और छोले की भी सब्जी बन चुकी है। तेज पत्ता हम भूल गए थे तो हमने पीछे से डाल दिया है, ये 2-3 तेज पत्ता। और ये देखिए इसमें गरम मसाला डालेंगे और ये मैंने थोड़ा सा एक मिर्च छोले वाला मसाला लिया ये डाल देंगे और ऊपर से हम धनिया डाल देंगे। तो हमारी छोले की भी सब्जी बनकर के रेडी हो चुकी है। अब देखिए हम बनाएंगे कचौड़ी के लिए। तो ये हमने 2-3 आलू ले लिए थे और इसमें हम डालेंगे व्हाइट वाला नमक 1/2 चम्मच के करीब, लाल मिर्ची 1 चम्मच, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हम ये थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा काला नमक और 1 चम्मच के करीब हमने ये मेरे पास समोसे का मसाला है ये डाल देंगे। आपके पास जो भी मसाला हो वो आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे, आप चाहें तो इसमें 2 हरी मिर्ची भी काट के डाल सकते हैं। ये मैंने 1 हरी मिर्ची डाल दी है। अब इसे हम मिक्स करके तैयार करके कचौड़ियों के लिए रख देंगे हम। और अब हम बनाने जा रहे हैं हलवा। तो उसके लिए हमने 2 चम्मच देसी घी ले लिया। ये देखिए मेरी 250 ग्राम सूजी है, इसे हम भून लेंगे अच्छे से। ये देखिए 200 ग्राम के करीब हमने चीनी डाल दी है। बिना नाप के अगर आप लेंगे तो जितनी आपकी सूजी है उससे उस बर्तन से 1/4 कप, कटोरी हो तो 1/4 कटोरी और कप है तो 1/4 कप डाल सकते हैं चीनी। और ये हमने 1/2 चम्मच कलर ले लिया वो डाल देंगे। और ये पानी है, थोड़ा और पानी डालेंगे हम, थोड़ा सा पतला सा घोल बन जाए उस हिसाब से आप पानी डाल दें। ये देखिए इस तरीके से पतली हो जाए सूजी, इतना पानी डाल दीजिए। और अगर आप वैसे देखें तो 1 लीटर के करीब पानी लग जाता है इसमें। और ये देखिए हमने इसमें 4 चम्मच घी डाल दिया है देसी। देखिए फैट हो गया है और हम कचौड़ी के लिए आटा लगाएंगे। ये आटा ले लिया हमने, नमक डाल दिया, उसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे और इसे पानी से गूंथ लेंगे। तो ये देखिए हमारा हलवा भी बन के रेडी हो चुका है। अब हमने पूड़ियों के लिए देसी घी लगा लिया। पूजा की पूड़ी हम देसी घी में बनाते हैं। तो ये देखिए हमारा पूड़ी का आटा लग चुका है। ये कचौड़ी का अच्छे से गूंथी है तो इसकी अच्छी, बहुत ही अच्छी पूड़ियाँ बनती हैं। इसको थोड़ा पतला लगाइए तो कचौड़ियाँ अच्छी बनती हैं। अगर आप 15 मिनट के लिए इसे रखते हैं तो और भी अच्छी बनेंगी। तो देखिए हमारा भोग बनके तैयार हो गया है। ये हमारे चने हैं, ये हमारा हलवा है, ये खीर बनाई है हमने, ये पूड़ी और कचौड़ी और ये छोले की सब्ज़ी है। तो आपको वीडियो हमारी कैसी लगी।